नमस्कार दोस्तों, हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि हम जो भी मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो या मोटर वाइंडिंग की कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको वो आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका पहला दिन है रिपेयरिंग सीखने का दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पीसीबी के कंपोनेंट के बारे में। तो देखिए, जो हमारे पास ये बोर्ड है, ये एक एंड्रॉयड मोबाइल का बोर्ड है। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल का ये एक बोर्ड है। दोस्तों, इसमें जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक एक करके हम उसको बताएंगे। तो आज हमारा पहला कंपोनेंट है, देखिए पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जी दोस्तों, और ये मोबाइल की प्लेट इसे बोलते हैं देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में। तो इसका पहला जो कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस को कहाँ कैसे पहचानते हैं, तो वो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे क्या उसकी पहचान है, क्या उसके कार्य हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना है। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट के बीच में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हम रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट के बीच में रुकावट पैदा करता है, मतलब करंट को कम करता है। जैसे मान लीजिए एक पाइप है, एक पाइप है, इस पाइप को अंदर यहाँ पे कुछ कचरा जम गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कचरा जम गया है। तो यहाँ से हम पानी इसमें भेज रहे हैं, डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कचरा जमने के कारण पानी, यहाँ पे पानी की जो गति है वो कम हो जाएगी, ठीक है, कम आ जाए, मतलब पानी कम जाएगा। ये इसी तरह से रुकावट उसमें पैदा करता है, ठीक है। और दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है, तो वैल्यू के हिसाब से रुकावट पैदा करता है। मान लीजिए हमने यहाँ से 5 वोल्ट डाला और यहाँ पे 3 इसने निकाला, तो देखिए वैल्यू के हिसाब से होता है। कई रेजिस्टेंस 0 वैल्यू के होते हैं, जो जिसमें हम 5 वोल्ट अगर डालेंगे, यहाँ से कितनी भी वोल्ट अगर हम डालेंगे तो बराबर वो काट देगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो डायनोटिक लेटर है शॉर्ट में, इसे आर बोला जाता है, ठीक है, इसे आर बोला जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरी में आते हैं। पहला है फिक्स रेजिस्टेंस, ठीक है, फिक्स आर लिख देता हूँ, ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस। तो इसका जो डायनोटिक लेटर है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, इसकी बॉडी ब्लैक होती है, हम दिखा भी देंगे, ठीक है। दूसरा आता है, ये पहला था, दूसरा आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, ठीक है दोस्तों, आर लिख देता हूँ उस पर। तो अब इस इनके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, इन दोनों के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, तो पहले बात करेंगे हम फिक्स रेजिस्टेंस की। तो फिक्स रेजिस्टेंस में भी एक होती है, फिक्स रेजिस्टेंस में दोस्तों दो कैटेगरी होती हैं, दो टाइप के होते हैं ये, एक तो होते हैं एच वी आर और दूसरा होता है एल वी आर, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, ये फिक्स में है,
लिख देता हूँ उस पर फिक्स, एच वी आर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, इसके अंदर एक ही आता है जिसको बोलते हैं हम वी डी आर, वी डी आर, ठीक है। वेरिएबल में दोस्तों वी डी आर आता है। तो वी डी आर का फुल फॉर्म है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। तो हमारे ये तीन तरह के बन गए हैं, एच वी आर, एल वी आर, वी डी आर, ठीक है दोस्तों। तो मोबाइल में तो यही काम में आते हैं, तीन लगे होते हैं, बाकी अलग अलग चीज़ों में काफ़ी सारे टाइप इनके होते हैं। तो आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो हम इन तीनों के बारे में ही आपको जानकारी देंगे, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे कैपेसिटर भी काफ़ी सारे होते हैं और रेजिस्टेंस भी काफ़ी सारे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो मोबाइल में तीन तरह के लगते हैं, एच वी आर, एल वी आर, वी डी आर, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एच वी आर की, एच वी आर की, ठीक है। इसको हाई वैल्यू रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह साइज में छोटा और चिपका होता है, साइज में बिल्कुल छोटा मिलेगा और चिपका सा मिलेगा, मतलब पतला मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप कॉपी पेन लेके सबको लिख सकते हो, ठीक है। साइज में छोटा, इसकी पहचान है, साइज में छोटा होगा और चिपका होगा, और ये जुड़वा भी होते हैं, और ये 50 ओम से ऊपर का होता है, ठीक है। तो 50 ओम क्या होती है, तो मल्टीमीटर के यूज में आपको बताएंगे, उस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ओम क्या होती है, और ठीक है 50 ओम से ऊपर का होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह साइज में छोटा होता है, चिपका सा होता है, चिपका सा या पतला, ठीक है दोस्तों। और ये जुड़वा भी होते हैं, जुड़वा का मतलब एक साथ कई भी लगे होते हैं, चार भी मिल सकते हैं, छह भी मिल सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ पीसीबी के अंदर, ठीक है, यह जुड़वा भी होते हैं, ठीक है। ये 50 ओम से ऊपर के होते हैं, 50 ओम से ऊपर के होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 50 ओम के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा एक चित्र बना के आपको दिखा देता हूँ। तो आप कॉपी पेन, जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन में उसको नोट कर लिया करो, बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। इसकी दोस्तों दो पिन होती हैं इस तरह से, ठीक है। ये तो मैंने इस साइड निकाल दी है, लेकिन इसकी यहीं यहीं तक ही होती है पिन, ये जो दिख रही है, ये पट्टी टाइप ये जो दिख रहा है, ये इसकी पिन होती है, ठीक है। पिन वन, पिन टू, ठीक है दोस्तों। इसका कलर ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, और ग्रीन हो सकता है, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हो सकता है, ठीक है। अब अगला है एल वी आर, ठीक है। तो एल वी आर के बारे में बता रहा हूँ, एल वी आर का मतलब है लो वैल्यू
रेजिस्टेंस यह 50 ओम के नीचे होता है, ठीक है, ये ऊपर था 50 के, तो LVR जो है वो नीचे होता है, यह है 50 ओम के नीचे होता है, ठीक है। कुछ पर वैल्यू भी लिखी होती है, ठीक है दोस्तों, तो दिखा देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ पर, कुछ रेजिस्टेंस पर वैल्यूज़ की लिखी होती हैं, वैल्यू भी लिखी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं VDR की, ठीक है, तो हम पेज पलट लेते हैं और इसका डायग्राम बिल्कुल ऐसा होता है, यही दो पिन होती हैं, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 जैसे इसकी है, और इस पे वैल्यू वगैरह कुछ लिखी होती है जैसे, ठीक है, कि कितने ओम का है, तो इस पे कुछ वैल्यू वगैरह लिखी होती है, जैसे 0 का है तो 0 इस पे लिखी होती है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने का है। अब तीसरा है VDR, ठीक है, VDR, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेड रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी एक पिन ग्राउंड से जुड़ी होती है, GND आपने सुना होगा ना, GND को ग्राउंड बोलते हैं, चाहे वो टीवी का मदरबोर्ड हो या मोबाइल का मदरबोर्ड हो, किसी का भी मदरबोर्ड हो, जिसे हम अर्थ भी बोलते हैं, अर्थ, तो ग्राउंड, अगर आपको कहीं भी VDR की एक पिन ग्राउंड से जुड़ी हुई मिले, किसी भी रेजिस्टेंस की एक पिन ग्राउंड से जुड़ी हुई मिले, तो उसका मतलब कि वो VDR है, ठीक है, यही उसकी पहचान भी है दोस्तों, ग्राउंड से जुड़ी होती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये पिन भी ग्राउंड से जुड़ी हो सकती है या ये भी ग्राउंड से जुड़ी हो सकती है, ठीक है दोस्तों, तो ये ग्राउंड से जुड़ी हो सकती है, GND से, ठीक है, ग्राउंड यानी कि अर्थ की एक लाइन होती है पूरी PCB में, तो उससे जुड़ी हो सकती है ये पिन, और इसकी पूरी बॉडी जो होती है ब्लैक होती है, इसकी पूरी बॉडी ब्लैक होती है, BLACK बॉडी, ठीक है, बॉडी कलर ब्लैक है इसका, ठीक है दोस्तों, मैंने तीनों के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं टेस्टिंग की, ठीक है, टेस्टिंग, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है कि ये सही है खराब है। देखिए, ओम की रेंज पे मल्टीमीटर को सेट करना है, ठीक है, ओम की रेंज क्या होती है वो मैं मल्टीमीटर में आपको बताऊंगा, ओम की रेंज पे इसको सेट करना है, ओम की रेंज पे, ओम की रेंज पर वैल्यू दोनों साइड से बराबर है तो यह ओके है, ठीक है, तो ये ओम की रेंज पर सेट करके दोनों पिन मल्टीमीटर की एक दोनों साइड पिन पे लगा सकते हैं, उल्टा सिल्टा कैसे भी, और दोनों साइड एक ही रेंज आनी चाहिए, ठीक है, अगर दोनों साइड कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो ख़राब हो सकता है, ठीक है, वो ख़राब है या अलग अलग आ रही है, ठीक है, समान समान रूप से दोनों साइड से हम टेस्ट करते हैं उल्टा सुलटा पिन करके इसको,
तो बराबर इसकी वैल्यू आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी टेस्टिंग है। अब हम आपको पीसीबी में वो कैसा दिखता है तो वो हम आपको अभी दिखा देते हैं दोस्तों। हम आपको अब टेस्टिंग करके दिखाते हैं। देखिए ये एक मदरबोर्ड है मोबाइल का, जिसे हम पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। देखिए इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी कंपोनेंट काफ़ी सारे आप देख रहे हैं। इसमें से आप कैसे पहचानेंगे रेजिस्टेंस को तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ब्लैक रंग में जो दिख रहे हैं, जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं, ये सभी रेजिस्टेंस हैं। देखिए ये सभी रेजिस्टेंस है जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं और जो चिपके हुए हैं, पतले हैं, ठीक है, साइज में पतले हैं नीचे की तरफ। तो ये सभी के सभी रेजिस्टेंस है जो कि करंट को कम करते हैं। ये अलग अलग वैल्यू के होते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये भी रेजिस्टेंस है, इसको लो वैल्यू रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो इसके ऊपर देखिए मैंने कहा था वैल्यू भी लिखी होती है, इसके ऊपर इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है, आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। कैमरा में थोड़ी सी नहीं दिख पा रही क्योंकि बहुत बारीक कॉम्पोनेंट है। अब देखिए इसकी टेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। तो मल्टीमीटर को देखिए, आपको यहाँ पे सेट कर लेना है बजर पे, ये ओम का है, ठीक है, यहाँ तक आपका ओम नापेगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए 200, यहाँ पे 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, ये सभी तरह से हैं दोस्तों। तो हमने देखिए यहाँ पे ही इसको नापने के लिए कंटिन्यूटी पर आप लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब दो हमारे पास मीटर की दो पिन हैं। अब देखिए हम इस रेजिस्टेंस की पिन पर लगाएंगे, एक दूसरी पिन पर लगाएंगे, उल्टा सीधा कैसे भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए बीप यहाँ पे बज रहा है मीटर के अंदर, देखिए दो आ गया है, देखिए लास्ट में आके रुकता है, दो पे आके रुक रहा है। एक पे रुकना चाहिए, दो पे इसलिए रुक रहा है क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी लो है, ठीक है, एक पे रुकेगा या दो पे रुकेगा, ठीक है। तो ये मतलब इसमें ट्यून बज रही है, तो मतलब ये पूरी तरह से एक तार का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। अगर ये ख़राब होता तो इस पर कोई वैल्यू नहीं आती, ठीक है। फिर आपको इसके इसको हटा के इसकी जगह एक जंपर मार सकते थे, यानी कि इस पिन से इस पिन पे एक तार जोड़ सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया लो वैल्यू के बारे में, लो वैल्यू रेजिस्टेंस के बारे में। अब आपको बता देंगे VDR के बारे में, वोल्टेज डिपेंडेड रेजिस्टेंस के बारे में, जिसका एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा होता है। दोस्तों मैं आप VDR के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए मल्टीमीटर की दो पिन है, तो आप कोई भी एक पिन ग्राउंड पे रखना है। ग्राउंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पूरी प्लेट में ग्राउंड ही ग्राउंड है काफ़ी सारी जगह। तो हम यहीं पर रख लेते हैं, यहाँ पे भी ग्राउंड है, देखिए बीप बज रही है, वहाँ पे मल्टीमीटर में नंबर आ रहे हैं। तो देखिए एक पिन आपको ग्राउंड पे रख लेनी है, कहीं भी रख लो। और VDR का पता लगाने के लिए आप सभी जितने भी रेजिस्टेंस है सबकी पिनों पर चेक करो। हम इस तरफ चेक कर रहे हैं, कैमरे को थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये तो लो वैल्यू है, इस पर नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इस पर नहीं, कोई सी भी साइड बीप नहीं बज रही है। इस पर देखिए इस साइड बीप बज रही है, ठीक है, इस साइड भी बीप बज रही है। इसका मतलब ये दोनों साइड बज रही है, तो ये कॉइल हो सकती है, ठीक है, ये कॉइल है, क्योंकि कॉइल थोड़ी ब्लैक कलर की ही होती है, रेजिस्टेंस जैसी ही होती है, लेकिन वो ऊंची होती है और रेजिस्टेंस पतला होता है, ठीक है। तो हम VDR ढूंढ रहे हैं, तो VDR का जो एक सिरा है वो ग्राउंड से बीप करेगा, ठीक है। तो देखिए हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक हमने ढूंढ लिया है, तो दोस्तों देखिए हमने इस तरफ सभी टेस्ट कर लिए, कोई भी VDR नहीं निकला है। अब हम यहाँ पे देखिए लाइन से ये लगे हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, इनमें देखते हैं, इसमें भी नहीं है, कोई सी पिन में नहीं है, इसमें है, इस साइड नहीं है, तो ये दोनों साइड नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये कॉइल तो है नहीं, कॉइल होगा तो कॉइल के अंदर एक तार होता है सीधा, वो जीरो वैल्यू रेजिस्टेंस की तरह से बीप करवाएगा। देखिए ये एक साइड यहाँ पे कर रहा है और इस साइड यहाँ पे नहीं है, इस साइड बीप आ रही है और यहाँ पे दो पे रुक रहा है,
इसका मतलब ये ग्राउंड से टच है, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है ये VDR है, ठीक है, ये VDR है। अब हम आपको बताएंगे, अब हमारा रह गया है HVR, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी ओम की रेंज है, ठीक है, अगर ज़्यादा वैल्यू का होगा तो यहाँ पे नपेगा यहाँ तक, आप अगर कम वैल्यू का होगा तो यहाँ से इस पे भी आ जाएगा, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू का होगा तो हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम टेस्ट करते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो VDR और LVR का हमने बता दिया है, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं आया। अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, देखिए कोई नंबर अब भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई नंबर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी कोई नंबर अभी आया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 47 आ रहा है, ठीक है, जब हमने 200 के पे हमने सेट किया तब यहाँ पे 47 आ रहा है इस साइड। अब देखिए हम पिन को पलटेंगे तो भी इसकी वैल्यू उतनी होगी, 47 ही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अगर इस पे वैल्यू नहीं आती है, हम यहाँ तक टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टेस्ट कर लेते हैं, सभी ओम पर टेस्ट कर लेते हैं, कोई वैल्यू मिलती नहीं है, इसका मतलब ये ख़राब है। अगर इसकी इस पे वैल्यू मिलती है और बराबर वैल्यू मिलती है दोनों साइड से, तो इसका मतलब ये सही है। तो हमने इस प्रकार तीनों रेजिस्टेंस की हम चेकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी तरह के रेजिस्टेंस की चेकिंग कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। और मल्टीमीटर का वीडियो आपने नहीं देखा है, इसकी यूज का वीडियो, तो आप पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं, हमने इसकी सभी तरह की कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है, हमने बता दिया है। दोस्तों ये तीनों तरह के रेजिस्टेंस इसी प्रकार चेक होते हैं, ठीक है, सबकी चेकिंग करने का तरीका एक है। वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब बराबर वैल्यू आनी चाहिए, अगर जीरो वैल्यू है तो भी बराबर आएगी, बीप आएगी, दोनों साइड बराबर आएगी, अगर HVR है तो भी बराबर वैल्यू आएगी दोनों साइड, अगर VDR है तो भी बराबर ही वैल्यू आएगी और उसका सिरा एक ग्राउंड से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये पहचान भी इसकी है और चेकिंग करने का तरीका भी एक है। पर मेरे अब तक के रिकॉर्ड में मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम, लगभग 100 में से 5% ख़राब होते हैं, ज़्यादातर कैपेसिटर वगैरह ही और डायोड वगैरह ही ख़राब होते हैं, तो बहुत कम ही ये ख़राब मिलते हैं। अगर आपके ख़राब हो जाए, अगर लो वैल्यू का है तो आप सीधा जंपर उस पर मार सकते हैं, ठीक है, अगर किसी और वैल्यू का है तो आपको मैच करना पड़ेगा किसी दूसरे PCB बोर्ड से, ठीक है, तो मैच करके उसका निकाल के आप उसमें डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फिर भी डाउट रहता है कि आप रेजिस्टेंस हमारा प्रॉपरली चेक नहीं हो पा रहा है मदरबोर्ड में, तो आप SMD मशीन से उसे बाहर निकाल लो। SMD मशीन क्या है और कैसे कार्य करती है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। दोस्तों SMD मशीन से आप उसे बाहर निकाल लो और फिर उसको मल्टीमीटर से चेक कर लो, तो इस तरह से आप आसानी से रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं ख़राब है सही है या उसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा पार्ट था, पहला पार्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी टेस्टिंग क्या होती है सभी। अगला जो पार्ट हमारा होगा वो कैपेसिटर पे होगा, कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा पार्ट जो होगा हमारा कैपेसिटर का होगा। तो दूसरा पार्ट देखने के लिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो YouTube ओपन होगा और वीडियो चल पड़ेगी, उसमें कैपेसिटर के बारे में हमने बताया गया है कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, टेस्टिंग क्या होती है, देखने में कैसे होते हैं, तो सभी तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए या किसी और चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, या कोई भी कन्फ्यूजन है डाउट है तो कमेंट कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। एक तो हमारा हाईटेक टेक्निकल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, दूसरा हमने इस चैनल के फीचर चैनल में और अबाउट में जोड़ रखा है जो कि एक RSY मोबाइल सॉल्यूशन के नाम से, एक आल मोटर रिवाइंडिंग PJ इलेक्ट्रॉनिक के नाम से हैं। तो इन तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब, इन तीनों चैनलों के साथ आप बने रहिए और सीखते रहिए मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर वाइंडिंग और आयुर्वेदिक से जुड़ी सभी जानकारी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।